22 जुलाई 1947 को संसद में गया था ब्रिटेन में, जब वो मुहर लग गया कि भारत आजाद हो जाएगा, तो 22 जुलाई 1947 को ही भारत के तिरंगा को क्या कर दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया। भारतीय तिरंगा को हमारी संविधान सभा ने कैसे सबसे पहले ही दे दिया गया, यहाँ पे कब मिल गया भैया, 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगा को क्या मिल गया भैया, अनुमति मिल गई थी। इस दिन संविधान में क्या ब्रिटेन में क्या हुआ था भैया, तय हो गया कि भाई भारत की आजादी अब फिक्स है, तो हमारा तिरंगा हो गया। भारतीय तिरंगे का डिजाइन किसने किया, पिंगली वेंकैया ने किया। इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो रहता है कितना होता है आपको पता ही होगा, 3:2, लंबाई और चौड़ाई में रेशियो कितना होता है, 3:2। इसके बीच में अशोक चक्र है, एक नेवी ब्लू का कलर का क्या है, चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां किसको दर्शाती हैं, ये 24 तीलियां हमें दर्शाती हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए 24 घंटे अथक रूप से चलते रहना है, 24 घंटे हमारी देश का विकास होना चाहिए। इसलिए 24 घंटे को विकास को दर्शाने के लिए जो ATM 24 घंटे खुले रहते हैं और हफ्ता में 7 दिन चलते हैं, 24/7 इसे लिखा जाता है, 24 आवर हम अपने राष्ट्र निर्माण के लिए बढ़ते रहे। हरा रंग हरियाली को, हरा रंग हरियाली केसरिया बलिदान का, सफेद रंग शांति के लिए, हम कभी किसी देश पे लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, हाँ हमको अगर कोई मारेगा तो हम कूचेंगे, ये बात तो कंफर्म है। केसरिया रंग किसे दर्शाता है, बलिदान का दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं केसरिया नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे हरा नहीं होगा, अरे हमारा देश का तिरंगा सबसे बेहतर है, हरा क्या हरियाली कोई मिटा सकता है, केसरिया के आसमान और सूरज के रंग को कोई बदला जा सकता है, नहीं। तो देखिए हमारा जो है बलिदान का, केसरिया एक्चुअली किस चीज के लिए, बलिदान के लिए। हरा रंग किसके लिए, हरियाली के लिए, हमारा देश हरा भरा है भाई, मेरे देश की धरती। इसमें गलती कैसे कर देता है लड़का सब, हम बचपन में छोटे थे तो तिरंगा बनाना था ना, तो हमने गलती से क्या किया, केसरिया को नीचे कलर कर दिया, ग्रीन को ऊपर कलर कर दिया। अब छोटे बच्चे हम लोग थे, लोग 4-5 में पढ़ते थे, तो टीचर हमको समझाएं कि देखो बाबू ऐसा गलती नहीं करना। हम कहें कि सर हमारे दिमाग से उतर जाता है कि केसरिया ऊपर रहेगा ग्रीन, तो हमको बड़ा प्यार से समझाएं, देखो बाबू हरियाली जो होती है वो कभी ऊपर हरियाली थोड़ी होती है आसमान में, हरियाली जब भी आएगी तो नीचे रहती है, जमीन पे हरियाली रहती है। कहें हाँ सर, इसका मतलब हरा नीचे रहेगा और सूरज का रंग केसरिया होता है, वो कहाँ जमीन पर रहेगा, नहीं तो ऊपर रहेगा। तो छोटे बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता था, हमने गलती कर दिया था। हमारा झंडा, झंडा रूल के हिसाब से आप सूरज निकलने से पहले अंधेरे में झंडा नहीं लहराएंगे, सूरज निकलने से पहले अंधेरे में झंडा नहीं लहराएंगे, यानी जब भी झंडा लहराना है तो जब सूरज निकल जाए तो सूर्योदय की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में हमारी झंडा का तोलन होना चाहिए, फ्लैग होस्टिंग एकदम, और जब सूरज ढलने लगे तो हमारी झंडा का अपमान न हो, अंधेरे में हमारी झंडा को कोई देख न सके, हमारे वीरों के बलिदान को, हमारी मिट्टी की हरियाली को जब कोई देख न सके, तो हम लोग को झंडा क्या कर लिया जाता है, सूर्यास्त के बाद उतार लेना चाहिए। झंडा में नियम है कि जब भी कोई व्यक्ति झंडा में लेके आगे चलेगा आंदोलन वगैरह में, तो दाहिनी हाथ उसका ऊपर रहना चाहिए और बायां हाथ उसका नीचे रहना चाहिए, इस तरह से वो फ्लैग मार्च को लेकर चलेगा, यहाँ पे झंडा को इस तरह से, कि नहीं कि दाहिना हाथ कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए, राइट हैंड इस तरह से, इस तरह से लेके वो मार्च करके चलेगा। अब जैसे मान के चलिए कि अगर सैनिक हैं, अगर हमारे देश के सैनिक हैं, तो सैनिक को परेड वगैरह लंबी दूर तक नहीं रहना। अब मान के चले किसी को आंदोलन करके लेके जाना है झंडा, तो उसे क्या करना है, अपनी गाड़ी पर झंडा सबसे ऊंचा रहना चाहिए। अगर आप किसी धार्मिक झंडे को इस झंडे के साथ लगाना चाहते हैं, या भारत में रहकर किसी अन्य देश का झंडा लगाना चाहते हैं, तो कोई भी झंडा भारत के झंडा से ऊपर नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए किसी को अपना केसरिया झंडा लगाना है, किसी को हरा, किसी को लाल, किसी को गुलाबी, किसी को कुछ भी, तो वो इस झंडे से नीचे रहना चाहिए। हमेशा हमारे नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए, हमारे झंडे से ऊपर किसी का झंडा नहीं रहना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं देश के अंदर। अब पता चला अमेरिका में गए हैं, कहेंगे कि हमारे झंडा ऊपर रहेगा, तो भाई अमेरिका के लोग का देश वो अमेरिका है और वो अपना झंडा ऊपर रखेंगे, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना भाई, आपका नियम अपने देश में लगता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में आए, तो व्लादिमीर पुतिन जब भारत आते हैं तो बताइए उनके सामने उनका झंडा नीचे रखेंगे, हमारा झंडा ऊपर हो जाएगा, तो भाई उनको भी तो खराब लगेगा, हर व्यक्ति को तो अपना देश प्यारा होता है। तो जब कई सारे झंडे एक साथ लगे हों तो भारत का झंडा उस झंडे के दाहिने साइड रहना चाहिए, किस कहाँ रहना चाहिए, दाहिने साइड।
मान के चलिए रूस के, रूस अभी हमारा मित्र है, तो हमारा अपने मित्र को तो हम भी नाराज निराश नहीं ना करेंगे। नेशनल भाई सबके लिए इक्वलिटी का बात है। तो जब कभी भी आप अपने देश में किसी दूसरे के झंडे को बराबरी रखते हैं, जैसे आप, जैसे कोई भी देश, आप पाकिस्तान वालों की बात नहीं कर, भारत वाले, रूस वगैरह की बात, तो हमें क्या करना है, उसको राइट साइड में रखना है। अपने झंडे को कहाँ रखना है, राइट साइड। अगर कोई आंदोलन या जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसी को अगर उसमें तिरंगा लेके जाना है और अगर दाहिनी हाथ से उठा के ऐसे थक गया है बेचारा, कितना दूर ले जाएगा, सैनिक तो है नहीं, आम आदमी सैनिक की तो नहीं रहता है, तो उसे अपने दाहिने कंधे पे क्या करना है, झंडे को ऐसे रखना है, दाहिने कंधे पे झंडे को रख के लेके चलना है। और याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति दाहिने कंधे पे झंडा को रखा है वो आंदोलन में सबसे आगे रहना चाहिए। आंदोलन में क्या रहना चाहिए, सबसे आगे रहना चाहिए, और झंडा कभी भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए, इससे हमारे झंडे की क्या हो जाएगी, बेइज्जती होगी। तो झंडा ऐसे तो उसे दाहिना हाथ रख के झंडा को हमेशा ऊपर लेके रखना है, लेकिन जब कभी भी थक जाएगा तो उसे कहाँ रखना है, अपने दाहिने कंधे पे लेके, और आंदोलन मार्च में वह सबसे आगे रहना चाहिए। ये इस नहीं तो इस तरह से बहुत ज़्यादा झंडे का अपमान एकदम सरासर गलत है। अरे भाई, जो देश का, जो देश प्रेम नहीं कर सका, उसको खुद को सुसाइड करके मर जाना चाहिए। क्योंकि यार एक जानवर को भी अपने खूंटा से बहुत प्रेम होता है, जहां उसे बांधा जाता है ना उसे वो बहुत प्रेम करता है, वहां उसे गंदा नहीं करता है। और कैसे लोग हमारे देश को लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, हम अपने झंडे का, देखिए एक जाने अनजाने में कभी हो गया, जैसे कभी हम 26 जनवरी को आप देखेंगे सड़क पे कभी कोई तिरंगा गिर गया है, तो कोई जानबूझ के नहीं फेंका होगा, जाने अनजाने में उसे गिर गया होगा, तो आप कम से कम उसे उठा लीजिए। जो अपने देश का सम्मान नहीं कर सकता है उसे नरक में भी जगह नहीं देना चाहिए, उसके लिए नरक से एक अलग नरक बनाना चाहिए, तो उसको मरक बनाए, उसको राष्ट्र चीज हमेशा आगे रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारे देश पे बहुत बुरा संकट आ जाता है, तो जब कभी भी देश पर बुरा संकट आता है तो झंडा को उल्टा लहरा दिया जाता है। भाई हमारे देश का झंडा सबसे अच्छा रहना चाहिए, तिरंगा बातें अलग है भाई, हमारे देश के झंडा की सबसे बेहतरीन। पहली बार भारतीय झंडे को विदेश में किसने लहराया था, किसी ने कोई बता सकते हैं? जर्मनी के शहर स्टुगार्ट्स में लहराया गया था 1907 में। किसने लहराया था बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारा तिरंगा सबसे पहले किसने लहराया था? मैडम भीखाजी कामा, एक सैल्यूट उस वीर महिला के लिए, भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है, मैडम भीखाजी कामा को तिरंगा झंडा लहरा दिया था 1907 में, जब हम गुलाम थे तब लोगों ने देखा कि भाई ये किसका झंडा है, तब पता चला कि भैया ये देश भारत का ये क्या है, झंडा है। अब देखिए झंडा के साथ दो कंडीशन, ये जो झंडा इसे सीधा है, अगर हम इसे ऐसे कर देंगे झंडा को, तो टेबल कुर्सी पे जब झंडा रहता है तो दो झंडे ऐसे रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो दो झंडे अगर तिरछा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये देखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय स्मारक जैसे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, इस सब पे अगर जो झंडा सीधा लगता है, वहां का झंडा तिरछा नहीं होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति भवन का झंडा है, अगर इस झंडे को इस तरह से झुका दिया गया तो समझ जाइएगा कि देश का बहुत बड़ा क्षति हुआ। राष्ट्रीय शोक अगर होता है, दुख दर्शाया जाता है कि ऐसा दुख जो पूरे देश को लगा है, तो उसमें राष्ट्रीय झंडा झुकना चाहिए। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम का जब निधन हुआ था, हमारा झंडा झुक गया था। हमारे पूर्व राष्ट्र प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब निधन हुआ था, हमारा झंडे को क्या किया गया था, झुका दिया गया था। तो जब देश को एक अभूतपूर्व, एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है, कोई बहुत बड़ा देशभक्त या बहुत बड़े व्यक्ति की जब निधन हो जाती है, तो राष्ट्रीय शोक मनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारा पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है, हम अपने झंडे को क्या करते हैं, झुका देते हैं। अब एक होता है उल्टा झंडा। उल्टा झंडा का मतलब ऐसे नहीं होता है कि लकड़िया ऊपर कर देंगे, ये उल्टा झंडा नहीं है। उल्टा झंडा का सेंस क्या होता है कि केसरिया कहाँ हो जाएगा, नीचे, केसरिया कहाँ हो जाएगा, नीचे, ग्रीन वाला कहाँ हो जाएगा, ऊपर। उल्टा झंडा का मतलब होता है कि हमारे राष्ट्रीय शोक है, मतलब कोई विकट परिस्थिति आ गई, भयानक भूकंप आ गया हो, भयानक, कोरोना कंट्रोल के बाहर हो गया है, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया है, कोई बहुत बड़ा जल सैलाब आ गया है, बहुत भूकंप टाइप का कुछ, या सुनामी टाइप का कुछ आ गया, राष्ट्रीय संकट आ गया है, तो अब हम अपने झंडे को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अपने झंडे को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। भगवान न करे कभी हमारे देश पे ऐसा संकट आए, हमारी भारत माँ का झंडा हमेशा लहराता रहे शान से एकदम। यहाँ पर राष्ट्रीय शोक जो है भाई, हमारे देश में कभी कभी तो होते ही रहते हैं, जैसे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग हमारे, इनका गुजरना हमारे लिए भाई साहब एक तो बहुत बड़ा क्षति है। भगवान न करे हमारा झंडा कभी उल्टा हो, ऐसा कोई संकट ना आए देश पर, भगवान स्पेशल ध्यान दीजिएगा, हमारा देश का झंडा सीधा ही रहे।